गुड मॉर्निंग इंडिया, न्यूज जो आपको रखती है अप टू डेट, और आप जान सकते हैं आपके शहर और आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं। तो चलिए देखते हैं आज की फास्ट 15 खबरें। कोरोना महामारी की वजह से दुबई में फंसे 130 यात्रियों को लेकर दूसरी चार्टर्ड उड़ान बुधवार को कोलकाता पहुंच गई। इंडिगो की उड़ान बुधवार की सुबह दुबई हवाई अड्डे से रवाना हुआ। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग से किडनी, निमोनिया और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कोरोना रोगियों के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञानियों, विशेषज्ञ और चिकित्सा शोधकर्ताओं से संपर्क करने के लिए कहा है। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क कोतवाली एरिया के सेक्टर 148 में बने सब बिजली स्टेशन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में पूरे बिजली घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की आज बुधवार को बैठक हुई। इस दौरान कई बड़े फैसले हुए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के चित्रग्राम इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी चरम पर। कांग्रेस ने 21 अगस्त को प्रदेश भर में विरोध का किया ऐलान। नैनीताल के तल्लीताल थाना क्षेत्र में डेढ़ महीने पहले एक घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। कारोबारी के घर से 18 लाख रुपए के जेवरात और कैश चोरी हो गया था। जांच आगे बढ़ी तो ये बात सामने आई कि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि घर की बहू ने की थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपित बहू को गिरफ्तार कर लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत जयपुर गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 20 अगस्त से शुरू हो रहे यूपी के 3 दिवसीय विधान मंडल सत्र में 65 वर्ष के ऊपर के विधायक सदन में वर्चुअल भागीदारी करेंगे। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से अनुरोध किया था, जिस पर उन्होंने सहमति दे दी है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत बिगड़ने के कारण बुधवार को उनके फेफड़ों में संक्रमण पाया गया। मुकेश अंबानी ने ऑनलाइन दवा बेचने वाले कंपनी नेटमेट्स को खरीदा। 620 करोड़ रुपए में हुई डील। अमेजोन और फ्लिपकार्ट को मिलेगी कड़ी टक्कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बस हाईजैक के मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने गृह विभाग को आदेश दिया है कि दोषी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा है कि दोषियों को गिरफ्तार कर तुरंत कार्रवाई हो। अफ्रीकी देश माली में विद्रोही सैनिकों ने तख्ता पलट को अंजाम देते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकार केटा को गिरफ्तार कर लिया है। माली के राष्ट्रपति के साथ साथ विद्रोहियों ने देश के प्रधानमंत्री बोबू सिसे को भी हिरासत में ले लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ये 21 अगस्त से प्रभावी होगा। कानून और न्याय मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला। परिवार ने जाहिर की खुशी, कहा अब न्याय मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी हमारी मुलाकात फास्ट 15 में। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।